नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री राम मंदिर चरितमानस। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राम मंदिर भूमि पूजन में बस कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। अयोध्या पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे में हम अगले एक घंटे आपको श्री राम चरितमानस की तर्ज पर श्री राम मंदिर चरितमानस के बारे में बताएंगे। आप देखेंगे कि अयोध्या में रामलला के प्रकट होने से लेकर भूमि पूजन तक की पूरी कहानी। लेकिन उसके पहले, चूंकि इस वक्त आप देख रहे हैं श्री रामलला के दरबार में मेरी मौजूदगी है, बिल्कुल ऐसा ही भव्य राम मंदिर तैयार होगा जिसके लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरी की पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और अब इंतजार किया जा रहा है उस बेहद खास पल का जब नरेंद्र मोदी आएंगे और इस तरह के भव्य राम मंदिर के लिए, रामलला के लिए, उनके भाइयों के लिए करेंगे भूमि पूजन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक तरफ मंदिर के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर, अलग अलग तल में ले जाकर, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि राम मंदिर आपके सपनों का कैसे रहने वाला है, वही अपने इस श्री राम मंदिर चरितमानस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे क्या रहा है अब तक का अयोध्या का इतिहास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की पूरी कहानी लिखी थी। लेकिन हम अपने इस कार्यक्रम में आपको लेकर चलते हैं 71 साल पहले रामलला की मूर्ति ने कैसे मंदिर आंदोलन का बीज डाला था, वो बताते हैं इस बालकांड के जरिए। 23 दिसंबर 1949, उस कड़ाके की ठंड में अभी सूरज की रोशनी फैली भी नहीं थी कि ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रकट हो गए। जन्मभूमि पर नया जन्म हुआ। उस सुबह रामलला विराजमान पर राम भक्त अलग ही जोश में गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को गा रहे थे। पता था कि रामचरितमानस की ये पंक्तियां ही एक दिन राम मंदिर चरितमानस की बुनियाद बन जाएंगी। हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाओं को हमने हृदय में बसाया, विपरीतताएं झेली, प्रतिकूलताएं झेली, पर अपने विश्वास को कभी मरने नहीं दिया, डिगने नहीं दिया। वो परंपरा लगातार चल रही थी। भारत में 500 साल का अंतराल है जो कल इतिहास रचने जा रहा है। तो फिर राम मंदिर चरितमानस के बालकांड को जानने के लिए आप 23 दिसंबर 1949 की उस सुबह वाली अयोध्या में चलिए। सुबह 7 बजे के करीब अयोध्या थाने के तत्कालीन SHO रामदेव दुबे रूटीन जांच के दौरान जब वहां पहुंचे तो सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। राम भक्तों की ये भीड़ दोपहर में बढ़कर करीब 5,000 तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांवों में बात फैलने से श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान राम के बाल रूप के दर्शन के लिए टूट पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस FIR का ब्यौरा दिया है जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो नरसिम्हा राव ही देश के प्रधानमंत्री थे। 22 दिसंबर 1949 में जब ये कारनामा हुआ तो लोगों को किसी को पता नहीं था और सवेरे जो है सबको मालूम हुआ, तब जो है लोग भीड़ उमड़ करके जब वहाँ पहुँची, माहौल दोनों पक्ष से लोग वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए, ये पूजा अर्चना मंदिरों से विग्रह निकल करके और कीर्तन होना शुरू हो गया, माहौल गर्म हो गया और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। अयोध्या में लिखी अपनी किताब में नरसिम्हा राव ने लिखा है कि SHO रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 295 के तहत FIR दर्ज की थी। उस घटना पर FIR में दर्ज है कि रात में 50 से 60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए हैं और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की।
उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरुआ और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात पीएसी को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वो मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। जिस वक्त ये घटना घटी, खंडित आजादी की लहूलुहान जमीन पर हिंदुस्तान अपने लिए नया भविष्य लिख रहा था, संविधान लिखा जा रहा था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। नेहरू और पटेल इस देश की तकदीर का फैसला कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री। केंद्र और राज्य की सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उप आयुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया था कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी रामलला की मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रख दिया जाए। मंगल भवन अमंगलहारी। 23 दिसंबर को ही दोपहर 2:30 बजे नायर तक हुकूमत का हुक्म पहुँच गया था। मुख्य सचिव का आदेश था कि बल प्रयोग भी करना पड़े तो प्रशासन हिचके नहीं, लेकिन इसके जवाब में के नायर ने चिट्ठी लिखी कि रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहाँ तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। साथ ही ऐसा पुजारी भी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने अहलोक के साथ ही साथ परलोक को भी बिगाड़े। नायर के इस जवाब से उत्तर प्रदेश की पंत सरकार खिन्न हो गई और दोबारा आदेश दिया कि पुरानी स्थिति बहाल की जाए। इसके जवाब में के नायर ने 27 दिसंबर 1949 को दूसरी चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेशकश कर दी। साथ ही सरकार को एक सलाह भी दी कि विस्फोटक हालात को काबू में करने के लिए इस मसले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट का फैसला आने तक विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन तो कर सके लेकिन अंदर प्रवेश न कर सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि रामलला की नियमित पूजा और भोग लगाने के लिए नियुक्त पुजारियों की संख्या 3 से घटाकर 1 की जा सकती है। साथ ही विवादित ढांचे के आसपास सुरक्षा का घेरा सख्त कर उत्पातियों को वहां फटकने से रोका जा सकता है। मामला कोर्ट में चला गया तो 6 दिन के बाद ही कोर्ट ने तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को इमारत का रिसीवर नियुक्त किया था और उन्हें ही मूर्तियों की पूजा आदि की जिम्मेदारी दे दी गई थी। उस वक्त रामलला का भोग राम चबूतरे की रसोई में बनाया जाता था। इसके बाद भोग लगाने के लिए संतरी विवादित इमारत का ताला खोल देते थे। इस अयोध्या में राम मंदिर बनने की बुनियाद 71 साल पहले पड़ गई थी, जब रामलला के प्रकट होने की खबर आई। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने तय किया कि मूर्ति को जाली से घेर दिया जाएगा और इसके बाद गेट पर ताला लगा दिया गया और बाबरी मस्जिद का बतौर मस्जिद इस्तेमाल बंद हो गया। लेकिन जनवरी 1950 में फिर से याचिका दाखिल की गई। इस बार याचिका ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने दाखिल की थी और रामलला की पूजा पाठ की व्यवस्था करने की मांग की थी। दिसंबर 1950 में रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ की व्यवस्था करने की मांग की। फिर फरवरी 1951 में दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया। तब से राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रामचंद्र दास परमहंस बने रहे। मैं बैठा नहीं हूँ, तुम जिसके लिए मरे, उस राम मंदिर का निर्माण इस शिवरात्रि के बाद अगली शिवरात्रि को हम घोषित करेंगे। सरकार हमें नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। रामलला की वो तस्वीर
तस्वीर राम मंदिर आंदोलन का सबब बनती गई और आज अब उसी रामलला के लिए एक भव्य मंदिर के भूमि पूजन की शुभ घड़ी आ गई है। श्री राम मंदिर चरितमानस में बालकांड को आपने जान लिया है, लेकिन एक बार फिर से बता दें कुछ ऐसी ही तस्वीर भव्य राम मंदिर की जब बनकर तैयार हो जाएगा, भूमि पूजन में बस चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे में चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आज तक के इस वर्चुअल राम मंदिर प्रांगण के अंदर गर्भगृह में और आपको करवाते हैं श्री राम के दर्शन। भगवान श्री राम जिनके दर्शन के लिए लाखों की तादाद में लोग इसी तरह से अयोध्या पहुंचते थे, इस उम्मीद के साथ कि श्री राम के दर्शन उस भव्य मंदिर में हो जिसका सपना हर एक हिंदुस्तानी संजोए हुए था। लेकिन एक बार फिर से आ जाते हैं हमारे श्री राम मंदिर चरितमानस की कथा पर। आपके लिए जानना जरूरी है कि राजीव गांधी सरकार की इसमें भूमिका क्या रही है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम चरितमानस के दूसरे अध्याय में अयोध्या कांड का जिक्र किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए राजीव गांधी सरकार ने ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास करवाया। उस पृष्ठभूमि में हिंदुस्तान की सियासत का हर रास्ता अयोध्या जाने लगा, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की इस रामरथ यात्रा ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए कूच किया तो उस यात्रा को मिलते जन समर्थन से साफ था कि इसका असर काफी व्यापक होगा। उसके बाद आंदोलन के सारे रास्ते अयोध्या की तरफ बढ़ते चले गए। इस देश में हिंदू समाज बहुत वर्षों से अपमानित हो रहा है, ये तो परिमार्जन अब होकर रहेगा, क्योंकि ये कोई एक दिन का संघर्ष, दो दिन का संघर्ष नहीं है, या कोई विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया हुआ संघर्ष नहीं है। इस संघर्ष में बहुत ही जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये संघर्ष चला हुआ है, जिस दिन 1528 में इसको तोड़ा गया तब से संघर्ष चल रहा है, 3 लाख जाने तो पहले ही जा चुकी है। अयोध्या की तरफ हर बढ़ते सियासी कदम की शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1986 को, जब विवादित परिसर का ताला खुला। उस वक्त राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद राम मंदिर निर्माण के आंदोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ लिया। आज कांग्रेस राजीव गांधी के नाम पर मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका को याद कर रही है और बकायदा प्रियंका गांधी की ओर से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने करी थी 85 में और 89 में उन्होंने कहा था शिलान्यास होना, उन्होंने अपने पहले भाषण में 89 में कहा था कि अपने देश में राम राज्य होना चाहिए। तो आज हम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ताले खोले थे। वहीं से शुरू हुई थी ये राम मंदिर की कथा। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के आदेश से विवादित स्थल का ताला खोला गया था। तब देश में राजीव गांधी की सरकार थी और उन्हीं की अनुमति से ताला खुलवाया गया था। दरअसल उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि मंदिर का ताला खोल दिया जाए। इस पर तत्कालीन जिलाधीश के एम पांडे ने मंदिर के विवादित स्थल का ताला खोलने का फैसला सुनाया। उसके बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की इजाजत से मंदिर का ताला खोला गया था। ताला खोलने की तैयारी इस तरह कर ली गई थी कि अदालत के फैसले के 40 मिनट के भीतर ही ताला खुल गया। दिल्ली में देयर वाज नो ऑर्डर और न कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है। जिला जज के एम पांडे ने फैसला दिया कि 35-36 साल से अन्य संप्रदाय के किसी भी सदस्य ने यहाँ नमाज नहीं पढ़ी, साथ ही कोई दंगा या कानून व्यवस्था का सवाल भी नहीं उठा, ऐसे में मंदिर का ताला खोलकर भी शांति कायम की जा सकती है। फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपने फैसले पर एक काले बंदर के प्रभाव को भी माना। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वो चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था, लोगों ने उसे कुछ खाने को दिया मगर उसने कुछ भी नहीं खाया। फैसला देने के बाद जब मैं अपने घर लौटा तो मैंने उसी बंदर को अपने बरामदे में बैठा हुआ पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया, वो कोई दैवीय ताकत थी।
माना जाता है राजीव गांधी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधा हुआ था। 1985 में एक मुस्लिम महिला शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उसको तलाक देने वाले शौहर को उसका पूरा गुजारा भत्ता देना होगा। अदालत का ये फैसला मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। राजीव गांधी सरकार ने उनके दबाव में आकर संसद के जरिए सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पलट दिया। मैंने 55 मिनट लोकसभा में लिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिफेंड करते हुए। अब कल लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो बिल हम ला रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए है। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूँ कि एक दिन बैंगन की तारीफ कर दूँ और एक दिन बैंगन की बुराई कर दूँ। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई हम मुसलमानों के सोशल रिफॉर्मर नहीं हैं, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। शाहबानो केस राजीव सरकार के गले की फांस बन गया। कहा जाता है उसके जवाब में हिंदुओं को खुश करने के लिए अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवा दिया गया। लेकिन राजीव गांधी यही नहीं रुके, अब बात आई विवादित भूमि पूजन पर राम मंदिर के शिलान्यास की। कभी अपने करीबी रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह की बोफोर्स तोपकांड पर बगावत से राजीव सरकार घबराई हुई थी। ऐसे में 1989 के चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी ने देवराहा बाबा से मुलाकात की। देवराहा बाबा जिनके प्रताप पर इंदिरा गांधी भी भरोसा करती थी। नवंबर 1989 में राजीव गांधी देवरा बाबा से मिलने वृंदावन गए। बाबा ने कहा मंदिर बनना चाहिए जिसके लिए आप शिलान्यास कराएं और शिलान्यास की जगह नहीं बदलनी चाहिए। कहते हैं उसी वक्त यहां पर शिलान्यास करवाने का फैसला लिया गया था और बाद में राजीव गांधी ने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ भी इसी अयोध्या से किया था। लेकिन चुनाव में राजीव गांधी को इसका फायदा नहीं हुआ। शिलान्यास के साथ खड़ी होकर बीजेपी 2 सीटों से 85 पर पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनकी अगुवाई में जनता दल को 143 सीटें मिली। वहीं पिछले चुनाव में 415 सीटें जीतकर इतिहास बनाने वाली राजीव गांधी की कांग्रेस महज 197 सीटों पर सिमट गई। राजीव गांधी पवेलियन से शिलान्यास का खेल खेल रहे थे मगर इसका सारा श्रेय विकेट पर जमी बीजेपी लूट ले गई। हिंदू उनके साथ नहीं आए, मुसलमान भी साथ नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक बड़ा धार्मिक मुद्दा बना दिया जिसमें बीजेपी भी जुड़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि धार्मिक चौहद्दी से निकलकर राम मंदिर का सवाल सियासत के सिर पर नाचने लगा। भूमि पूजन के बाद जब राम मंदिर बनेगा तो कुछ इसी अंदाज में भव्य राम मंदिर में श्री राम के रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे श्रद्धालु। लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और श्री राम मंदिर चरितमानस में अब आपको लेकर चलते हैं न सिर्फ दूसरे तल पर बल्कि इसके साथ ही बताएंगे आपको आगे की भी कहानी। अब हम आ चुके हैं द्वितीय तल यानी कि राम के दरबार में। बिल्कुल ऐसा ही होगा, द्वितीय तल राम का दरबार ऐसे ही सजा हुआ मिलेगा जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका जिक्र भी किया है राम दरबार का। लेकिन अब बात करेंगे हम श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की जिसमें भगवान राम के जंगल में भटकने की कथा है। तो राम मंदिर के आंदोलन ने भी देश की सत्ता की राजनीति को बहुत प्रभावित किया। किसी को राजनीतिक वनवास भुगतना पड़ा तो किसी का हुआ राजतिलक। राम के नाम पर सत्ता की राजनीति 1989 के चुनाव में ही तेज हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अयोध्या से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी, राम राज्य की दुहाई भी दी। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस का तख्तोताज लुट चुका था। राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाली बीजेपी के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन वीपी सिंह के मंडल कमीशन के जवाब में बीजेपी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की जिसका नतीजा वीपी सिंह सरकार के पतन के रूप में सामने आया। अयोध्या विवाद चरम पर पहुंच चुका था जिसे सुलझाने की कोशिश प्रधानमंत्री रहते चंद्रशेखर ने भी की। हम मिलकर के आप काम करें, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम मिलकर के काम नहीं करना चाहते,
अटल जी, कम से कम आप इस बात के गवाह हैं, बाबरी मस्जिद जिसके नाम पर बड़ी गालियां दी जाती हैं बीजेपी के लोगों को, बाबरी मस्जिद का सवाल हल होने को था। मुलायम सिंह उसके बारे में जानकार हैं, अगर एक महीना डेढ़ महीना हमारी सरकार रही होती तो शायद ये सवाल नहीं रहता। कौन उस मामले को हल नहीं होने दिया? मुलायम सिंह जी, आप उसको भी जरा कभी कह दें, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने एक वादा किया है कि प्रधानमंत्री के रूप में मैंने जो जाना वो कभी कहूंगा नहीं किसी से। कांग्रेस से तंग आकर चंद्रशेखर ने 4 महीने में ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को अचानक देश की नंबर 2 पार्टी बना दिया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई उत्तर प्रदेश ने, जहां अयोध्या है जिसकी सियासत उन दिनों सबसे ज्यादा गरमाई थी। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में से 83 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। 5 साल बाद 1989 में कांग्रेस 15 पर आ गई और बीजेपी 0 से 8 सीटों पर। लेकिन 1991 के मध्यावधि चुनाव में यूपी में कांग्रेस 15 से गिरकर 5 पर आ गई, जबकि बीजेपी ने जबरदस्त छलांग लगाई, वो 8 से 51 पर पहुंच गई। 1996 के चुनाव में भी कांग्रेस 5 पर ही सिमटी रही, जबकि बीजेपी ने 52 सीटें जीत ली थी। राम मंदिर आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पांव को जमने नहीं दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 15 साल सरकार को चलाया, लेकिन पूर्ण बहुमत उसे हासिल नहीं हुआ। वहीं बीजेपी पिछले 2 चुनावों से लगातार पूर्ण बहुमत हासिल करती हुई चली आ रही है। एक तरफ अयोध्या से जुड़ती हुई कड़ियां, तो वहीं दूसरी तरफ आज पहली बार जो तस्वीर देश के सामने आई है वही आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही होगा भगवान श्री राम की मंदिर का छत, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पहुंचेंगे श्रद्धालु, ताकि दर्शन कर पाए न सिर्फ रामलला के बल्कि इसके साथ ही साथ अपनी मन की मुरादें भी पूरी कर पाए। फिलहाल श्री राम मंदिर चरितमानस पर हम वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं उन तमाम कड़ियों की जिसने बहुत सारे सवाल भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की खातिर अमर्यादा को जिन लोगों ने जन्म दिया था उनको लेकर खड़े किए। 6 दिसंबर 1992 की घटना ऐसी थी मानो देश अचानक संविधान के दायरे से फिसलने लगा हो। रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान राम के जंगल में भटकने की कहानी है, जबकि राम मंदिर चरितमानस का वो अध्याय बाबरी मस्जिद विध्वंस में खुलने लगा। उसने राजनीति की धारा बदल दी। पूरा देश बाबरी मस्जिद के विध्वंस पर भौचक था। सवालों की छींटे तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार पर भी पड़ी, जिसने एक झटके में बीजेपी के 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और चूंकि पूरे देश भर से कार सेवक आए हुए है, इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पूरे प्रदेश और देश के अंदर हिंसा की लपटें उठेगी, वो स्थिति और भी अधिक दुखद होगी। इसलिए गोली एक भी नहीं चलेगी, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरे माथे पर किसी एक भी कारसेवक के प्राण लेने का कलंक नहीं लगा। बाबरी मस्जिद की रक्षा का वचन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए उन्हें 1 दिन की सजा भी हुई। उसी दौरान नरसिम्हा राव सरकार ने RSS पर भी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इससे हालात नहीं सुधरे। बीजेपी में वाजपेयी और आडवाणी जैसे शीर्ष नेता तो अफसोस जताते रहे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी युवा ब्रिगेड खुश थी। ये 500 साल की लड़ाई है, इसमें लाखों लोग मरे हैं और आजादी के बाद हजारों मरे हैं और अभी 10-20 साल में सैकड़ों मरे हैं। हम लोग तो जिंदा रह गए और हमारी जिंदगी की गति चलती रही। इधर भूमि पूजन हमारे लिए यही आनंद का विषय है कि मोदी जी के हाथ से हो और मोदी जी की जय जयकार हो और हम मोदी जी को सरयू मैया से प्रार्थना करें लंबे समय तक राज करें। 6 दिसंबर 1992 के उत्साह से निकलकर देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अयोध्या के इतिहास में ये एक निर्णायक घटना के रूप में याद रखा जाएगा। राम मंदिर का तृतीय तल
शानदार बड़े बड़े ये स्तंभ आपको दिखेंगे जो बेहद बारीकी से उकेरे गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यही तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, तृतीय तल खाली रहेगा, यानी कि ज्यादातर हिस्से तीसरे तल के आपको खाली मिलेंगे, लेकिन भगवान राम से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें यहां पर भी संजो कर रखी जाएंगी, ताकि दूर दूर से जो भक्त आते हैं वो बिल्कुल मेरी तरह तृतीय तल पर आकर बैठ सकें, आराम कर सकें, भगवान का भजन कर सकें और श्री राम की आराधना में लीन हो सकें। लेकिन श्री राम मंदिर चरितमानस के अब अगले कांड का रुख हम कर लेते हैं। दरअसल 500 साल पुराने अयोध्या विवाद पर 2010 में पहला फैसला आया था, जिसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इस राम मंदिर की भव्यता के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ की जमीन को तीन हिस्सों में बांट दिया था। ये फैसला किसी को मंजूर हुआ, किसी को मंजूर नहीं हुआ, और उसके बाद क्या था, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में सुंदर कांड में हनुमान की लंका प्रस्थान और लंका दहन कर वापसी की चर्चा की गई है। यहाँ अयोध्या विवाद में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हम प्रवेश करते हैं अब सुंदर कांड में। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अयोध्या विवाद का निपटारा नहीं हुआ, अब भी दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे थे। दरअसल इस फैसले के मुताबिक जहां राम मूर्ति थी उसे रामलला विराजमान को दे दिया गया, सीता रसोई, भंडारा, राम चबूतरा, निर्मोही अखाड़ा को और बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला। तीनों ही असंतुष्ट पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले को कोर्ट से बाहर सुलझाने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। आखिरकार 6 अगस्त 2019 से 14 अक्टूबर तक 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली। रामलला विराजमान के वकील थे सीएस वैद्यनाथन, सुन्नी वक्फ बोर्ड का पक्ष रख रहे थे राजीव धवन, और निर्मोही अखाड़ा की पैरवी कर रहे थे वकील सुशील कुमार जैन। सुनवाई शुरू होते ही हिंदू पक्ष ने बरसों पुरानी आस्था का हवाला दिया, वहीं मुस्लिम पक्ष तथ्यों और प्रमाणों की दलील दे रहा था कि जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाए और रामलला के पक्ष में ये आदेश पारित हो जाए, जिससे रामलला जो आटाट पट्टी में पड़े हुए हैं उससे इनके भव्य मंदिर बने। इसके लिए हमारे पास जो एविडेंसेस हैं वो बाबरनामा से लेके और जैसे हमारा ये कहना है कि ये कभी मंदिर नहीं रहा है, क्योंकि उसमें कहीं जिक्र नहीं मंदिर तोड़ने का, ना बाबरनामे में है, ना आइन अकबरी में है, ना हुमायूं नामे में है, ना शाहजहां के जमाने का है, ना औरंगजेब के जमाने का है। इस केस में तीनों ही पक्ष जमीन पर दावा कर रहे थे, लेकिन जमीन के दस्तावेज किसी के भी पास नहीं थे। निर्मोही अखाड़ा की दलील थी 1934 के बाद अंदर का पूरा हिस्सा हमारे पास था, हमें ये मिलना चाहिए। सीएस वैद्यनाथन की दलील थी कि इस इलाके में हमेशा से ही राम मंदिर था, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1949 में जब से मूर्ति रखी गई तब से ये हमारे कब्जे में है, ये हिस्सा हमें मिलना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील को अब इन दावों का जवाब देना था। उन्होंने दिसंबर 1949 में मूर्ति रखे जाने को मुद्दा बनाया। उनकी ओर से कहा गया कि दिसंबर 1949 में राम मूर्ति को रखना अवैध था, वहां सिर्फ मस्जिद थी और इसी तथ्य को आधार माना जाए। दिसंबर 1949 में आधी रात को मस्जिद में मूर्ति रखी गई थी, इस अवैध काम का फायदा किसी दूसरे पक्ष को नहीं मिलना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने राम चबूतरे पर हिंदुओं का हक माना। उन्होंने कहा कि राम चबूतरा में हिंदू पूजा करते हैं और वहीं भगवान राम का असली जन्म स्थान है, इस हिस्से में हिंदू पूजा करें तो उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन अंदर का हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मिलना चाहिए। उन लोगों ने इस पर इसरार किया कि हमें तो ये जगह चाहिए। हम लोगों का कहना था भाई आप साबित कर दीजिए कि ये रामचंद्र जी की या तो बर्थ प्लेस है या कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हम अपनी क्लेम के बारे में वापस कर सकते हैं, लेकिन ये हम उसको छोड़ नहीं सकते मस्जिद को। मगर उनका इसरार यही था कि नहीं।
दस्तावेजी सबूत न होने से सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट पर भी गौर किया, लेकिन ये भी कहा कि एएसआई की रिपोर्ट पर जमीन का मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ 574 पेज की एएसआई रिपोर्ट ने बताया कि बाबरी मस्जिद के खंभों और स्लैब में ऐसे चिन्ह हैं जिनसे संकेत मिलता है कि यहां पहले मंदिर ही था। काले पत्थर के 14 खंभे मिले जिन पर धार्मिक चिन्ह बने थे, जैसे कमल का फूल और सबसे अहम है वराह भगवान की आकृति। इस पर राजीव धवन का कहना था कि माय लॉर्ड ऐसी चीजें बनाने वाले हिंदू होते हैं, बाबर या मीर बाकी ने खुद से नहीं बनाया, हिंदू कारीगरों ने अपनी पसंद की चीजें यहां पर उकेर दी। कोर्ट ने तुरंत पूछा, मिस्टर धवन, देश में कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें ऐसे चिन्ह मिलते हैं? इस पर राजीव धवन की ओर से जवाब दिया गया, महरौली में एक मस्जिद है, वहां मूर्तियां रखी हैं। इस पर आपत्ति आई। हिंदू पक्ष ने कहा कि वो तो 32 मंदिर तोड़कर बनाई गई है जो शिलालेख पर भी है। कोर्ट ने तब सबसे बड़ा सवाल पूछा कि जब वराह यानी शुक्र को इस्लाम में निकृष्ट माना जाता है तो फिर उसकी आकृति मस्जिद में कैसे आ सकती है? ऐसी दलीलों की वजह से मुस्लिम पक्ष जहां एएसआई की रिपोर्ट को अविश्वसनीय साबित करने पर तुला था, वहीं हिंदू पक्ष उसका पुरजोर बचाव कर रहा था। 40 दिन की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कई बार माहौल काफी हल्का फुल्का भी रहता था, लेकिन कभी कभी जबरदस्त तनातनी भी हो जाया करती थी। ऐसा ही एक वाकया सुनवाई के आखिरी दौर में हुआ। हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह प्रमाण के रूप में नक्शा पेश करना चाहते थे। राजीव धवन को उसकी कॉपी दी गई, जिसे उन्होंने कोर्ट में ही फाड़ दिया। इस पर बवाल मच गया। चीफ जस्टिस ने कहा, एनफ इज एनफ, यानी कि अब बहुत हो गया। जब उस नक्शे को पेश किया गया और उसकी कॉपी राजीव धवन साहब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको दी गई, उन्होंने ये उस डॉक्यूमेंट का विरोध किया कि यह कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है। जब हम लोगों ने बताया कि कोर्ट का रिकॉर्ड का पार्ट है और आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं, उन्होंने गुस्से में उस नक्शे को टुकड़ों में फाड़ दिया, यह कहते हुए कि हम इसको नहीं मानते। इसी दौरान किशोर कुणाल की किताब अयोध्या रिविजिटेड को पेश करने की कोशिश की गई, जिसका भारी विरोध हुआ, जिसमें 12वीं सदी के एक मंदिर का जिक्र है। जो विवादित स्थल था उसका मध्य भाग जो था उसके बीच में भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 1767 में जोसेफ स्टीफन टेलर ने ये लिखा है। दोनों पक्ष आखिर तक अड़े रहे। कोर्ट में दलीलें रखते हुए ये भी कहा गया कि मुसलमान तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, एक बार मंदिर बन गया तो मूर्ति रहे या ना रहे उसकी पूजा होती रहती है। कामत गिरी और कैलाश पर्वत के उदाहरण दिए गए, जहां कोई मूर्ति नहीं फिर भी पूजा होती है, परिक्रमा होती है। 40 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से इस देश का सबसे बड़ा फैसला आया। इस फैसले के मुताबिक 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी गई, वहीं 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए देगी। एक ही दिन दोनों पक्षों को उनकी जमीन दी जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। तृतीय तल पर मेरी ही तरह जब राम भक्त बैठेंगे तो ऊंच पर ऊपर की छत बिल्कुल ऐसी ही नजर आएगी जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन सबके बीच आपको बताते चलें कि ये जो राम मंदिर का सफर था वो इतना आसान नहीं था, कुछ और हिस्से आपको बताना बेहद जरूरी है। अयोध्या के बरसों पुराने विवाद का पटाक्षेप हो गया, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है। समाधान से पहले अयोध्या में अक्सर संग्राम छिड़ता रहा। इसकी तुलना रामचरितमानस के लंका कांड या फिर युद्ध कांड के तौर पर भी की जा सकती है, जिसमें राम रावण युद्ध का वर्णन मिलता है। तो चलिए हम अगले अध्याय यानी कि लंका कांड में आपको दिखाते हैं अयोध्या में राम के नाम पर कैसे खूनी संघर्ष होता रहा। अयोध्या का मतलब है जिसे युद्ध में
हराया न जा सके, जिससे युद्ध करना संभव न हो। इसके बावजूद समय समय पर राम की नगरी को संघर्ष में डालने की कोशिश होती रही। यही वजह है कि अयोध्या के साथ इसका रक्त रंजित इतिहास भी जुड़ा हुआ है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित था। लेकिन इस तारीख ने हिंदुस्तान की सियासत, परंपरा और लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल दिया। Do not regard it as a masjid. लाखों लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है तो लाखों लोग कुर्बानियां देंगे मगर मंदिर हम चलदार साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। उस रोज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर हर कोई अमर्यादित था। 6 दिसंबर को गीता जयंती थी, द्वापर में इसी रोज महाभारत हुआ था और कलयुग का एक महाभारत देश के सामने था। विवादित ढांचे को गिरा दिया गया, लेकिन उसके पहले यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने लिखित में कार सेवकों पर गोली चलाने से इनकार किया था। चलदार साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इस घटना के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई और इतना ही नहीं बीजेपी की 3 और सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश की शांता कुमार, राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत और एमपी की सुंदरलाल पटवा सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। तब कल्याण सिंह ने ये भी कहा था कि अब भी वक्त है गैर बीजेपी दल जनता की भावनाओं को समझे। राम जन्मभूमि के लिए अब तक 76 लड़ाइयां हो चुकी हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये उस अयोध्या का इतिहास है जहां समाधान से पहले 500 साल तक संघर्ष जारी रहा। इतिहास को देखें तो 1934 में कार सेवकों की एक विशाल भीड़ ने विवादित ढांचे के 3 गुंबद तोड़ दिए थे। उस वक्त फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इससे पहले 1855 में भी अयोध्या में जबरदस्त संग्राम छिड़ा था, ढांचे का एक हिस्सा भी गिरा था। उस वक्त न वीएचपी थी और न ही आरएसएस। दरअसल राजनीति से ज्यादा ये 2 विचारधाराओं का टकराव था जो 500 साल के बाद अब जाकर थमा है। अब हम आ चुके हैं श्रीराम मंदिर के बाहर के प्रांगण में। कुछ ऐसा ही माहौल होगा, चारों तरफ हरियाली और रोम रोम में यहाँ पर राम बसते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बार फिर से रुख अपने उस कार्यक्रम का। अब तक आपने अयोध्या के इतिहास से लेकर वर्तमान तक के तमाम पहलुओं को देखा, अब आपको आशा और उम्मीदों से भरी अयोध्या की झलक दिखाते हैं। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम मोदी निर्माण की पहली ईंट रखने वाले हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक का वर्णन है और हमारे इस कार्यक्रम यानी कि श्री राम मंदिर चरितमानस में अयोध्या में भूमि पूजन के पहले अयोध्या में कैसा है माहौल, अब वो दिखाते हैं। राजा दशरथ जी के घर अयोध्या उमंग और उत्साह की रोशनी से जगमगा रही है। कोने कोने में रामधुन की गूंज है। सदियों से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है। ये सब कुछ किसी सपने से कम नहीं, लेकिन जो सपना सच होने वाला है उसकी झलक देखिए। राम मंदिर का ये 3D मॉडल बता रहा है कि पूरी तरह तैयार होने के बाद अयोध्या का राम मंदिर कितना भव्य दिखेगा। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की पहली ईंट खुद पीएम मोदी रखने वाले हैं। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग, साधु संत
आमंत्रित अतिथि और पूरे अयोध्यावासी अब बस उसी पल की राह देख रहे हैं। 5 अगस्त दोपहर 12:30 बजे के बाद होने वाले इस भूमि पूजन कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से आए योग गुरु बाबा रामदेव भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। जिस क्षण की वो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो 500 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ है और दिव्य भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। अयोध्या के बरसों पुराने विवाद का पटाक्षेप हो चुका है, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही ये अयोध्या के लिए एक नए अध्याय की भी शुरुआत है। तरक्की और खुशहाली की कई योजनाओं के साथ अयोध्या में बहुत कुछ बदलने वाला है। अशोक सिंघल और संजय शर्मा के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। रामचरितमानस की तर्ज पर आप हमारे ये कार्यक्रम देख रहे थे, श्री राम मंदिर चरितमानस। अगर मौजूदा मंदिर के स्वरूप और साथ ही राम मंदिर के इतिहास को लेकर वर्तमान में श्री राम मंदिर चरितमानस लिखा जाएगा तो वो कुछ ऐसा ही होगा। उम्मीद यही कि भूमि पूजन के साथ ही भव्य राम मंदिर और इसी के साथ ही अयोध्या में एक नया अध्याय जुड़े। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।